हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी रात के बजे हैं 9 और हम खा रहे हैं खाना। खाने में आज क्या है? खाने में है भिंडी की सब्जी और तोरी की सब्जी और रोटी और दही भी है वहाँ रखी है। तो आज भिंडी, तोरी और रोटी और दही है। तो अभी खाना खा लेते हैं और खाने के बाद दिखाऊँगा वो जो मैंने टाइटल और थंबनेल लगाया है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस, चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका मैंने थंबनेल और टाइटल लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते, पारुल को, जो मेरी छोटे वाली सिस्टर है, तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा वीडियो का। आप जाके पहले वीडियो देख सकते हैं, पारुल की वीडियो, पारुल कौन है, हम कैसे वीडियो बनाते थे। मैंने जिसका फोटो भी लगाया हुआ है अपने यूट्यूब के जो मेरा प्रोफाइल है उस पर, वो पारुल है जो मेरी छोटी सिस्टर है। आप वैसे वीडियो भी देख सकते हैं, जो पुरानी वीडियो है मैंने उनका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं जो कि मुझे पारुल ने सेंड किया है अपने कोचिंग सेंटर से, जो वहां पे उसने पोएट्री प्रेजेंट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ऐसा लगे कि मतलब मेरी आवाज पे बन जाना प्लीज, ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों के सामने में कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मैंने सिर्फ रात ऐसे ही मैं अपने गाने का रिहर्सल करने के लिए सोच रही थी और मुझे एक कविता मिली जो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, लेकिन आप सिर्फ उसके शब्द सुनिएगा। एक शहीद, एक सैनिक जो शहीद होने से पहले अपनी माँ को एक पत्र लिखता है, तो वो क्या है, उसकी भावना क्या है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई सैनिक शहीद होता है कि एक सैनिक शहीद हुआ, नहीं, उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। वो रोज थोड़ा 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 थोड़ा, कभी अपना जिसका एक लौता बेटा होता है, सोचो उसको, वो जो आर्मी में चला जाता है, उसकी माँ तो रोज मरती है। वो घर में नहीं, मेरे एक भाई है सिर्फ अकेला, उसको मेरी माँ ने आर्मी में नहीं जाने दिया। उसको बोला कि मैं तो कहाँ जाऊंगी, मैं अगर कुछ हो गया तो सिर्फ इस डर से। तो एक शहीद होता हुआ सैनिक अपनी माँ को पत्र लिखता है, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी आस उसके घर में आ गई, सिर हर उठी हमारी उदासी छा गई, जो उसकी माँ को मिल गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं में धोना नहीं है, तुझको कसम है नहीं है। जब वो अपनी सीमा पे अपने परिवार को याद करता था तो वो अपनी माँ को सबसे ज्यादा याद करता था, क्योंकि वो एक लौता बेटा था और एक माँ अपने लौते बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे, बाहों में जकड़ना, पग ढंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं माँ, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं माँ, तुझको कसम, तुझको कसम है माँ मेरी रोना नहीं है। जब वो सैनिक छुट्टियां खत्म करके अपनी माँ से अलविदा लेने लगा तो उसकी माँ ने उसके लिए सहरा बनाया कि बेटा जब तू आएगा मैं तेरी शादी करूंगी। तो उस वाक्य को याद करता हुआ अब सैनिक आया नहीं, याद करता हुआ अपनी माँ के लिए लिखता है, सोचा था तूने अपने लिए बुलाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी, तू तिलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां
होके चल पड़ा, वहां माँ तेरे आंचल कदों भी छोना नहीं है। तुझको कसम है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। जब कभी सैनिक अपने घर आता था तो अपने पिता को, अपने पिता को दुनिया भर की खबर सुनाता था एक अखबार के जरिए। वो एक अखबार लेके आता था और अपने पिता को पढ़ के सुनाता था कि आज पूरे देश में क्या हुआ है। लेकिन अब शहीद जवान शहीद हो चुका है और वो घर नहीं लौट के आ पा रहा है। और उसके पिता के लिए बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बाबा से बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया। अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दुलाएगा। उम्मीदों का महल उनका सारा पन में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया। बेदर्द निकला बेटा ये सलोन नहीं है, तुझको कसम है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। बहना से कहना उस सैनिक की तीन बहने, बहना से कहना राजी पे याद ना करे, किस्मत को न कोसे न कोई फरियाद वो करे। अब कौन उसे चोटी, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, भाई दूज का निवाला कौन खाने आएगा। कहना कि भाई बन के अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तो गाइस फाइनली ये वाली वीडियो थी जो मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, जो कि पारुल के कोचिंग सेंटर की थी। तो बताइए मेरे को कैसी लगी आपको ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।